और देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, 290 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी भी इंतजार किया जा रहा है कि 12 से 14 घंटे का वक्त अगर और लगता है तो ये मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। और देखिए आपका परिचय कराते हैं इन चेहरों के साथ में, क्योंकि ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। अर्नॉल्ड डिक्स अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल टनल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो उस मौके पर मौजूद हैं। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व सलाहकार रहे भास्कर खुलबे लगातार मौके पर मौजूद हैं, उन एक्सपर्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, यानी केंद्रीय स्तर पर भी शीर्ष स्तर पर भी किस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है वो भी आपको बता रहे हैं। साथ ही महमूद अहमद जो कि एमडी हैं एनएचआईडीसीएल के, एनएचआईडीसीएल वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस टनल का निर्माण भी कर रहा था, उसके एमडी महमूद अहमद वो भी मौजूद हैं। साथ ही आरडी द्विवेदी वैज्ञानिक हैं, टनल एक्सपर्ट हैं, वो भी इस ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। साथ ही अभिषेक रोहेला जो कि डीएम है उत्तरकाशी के, क्योंकि जिला प्रशासन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, तमाम इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से भी कोऑर्डिनेट किए जा रहे हैं। और इन तस्वीरों के साथ ही, इन चेहरों के साथ ही सीधे अब आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी अंजलि तमाम अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रही है। अंजलि, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि अगर 2 से 3 पाइप डाल दिए जाते हैं, इनकी रफ्तार यदि ठीक रहती है तो 12 से 14 घंटे के अंदर ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, यानी वो रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन एक बार रास्ता बन जाने के बाद दर्शकों की सुविधा के लिए जरा बताइएगा कि मजदूरों को बाहर निकालने में क्या वो प्रक्रिया होगी, कितना वक्त उसमें लग सकता है? जी देखिए, बिल्कुल, इसके लिए जो जब एक बार ये एस्केप टनल बन जाएगा तो वहाँ पर अहम भूमिका हो जाती है एनडीआरएफ की। तो एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार इस तरह की मॉक ड्रिल कर रही है। और अभी भी आपको हम दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए, देखिए यहाँ पर ये जो जगह है स्टेशनड है यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम, और लगातार टनल के अंदर भी मॉक ड्रिल चलती है। जो इक्विपमेंट्स है वो भी तमाम यहाँ पर रोजाना इस तरह से चेक किए जाते हैं। अभी आप एक मशीन वहाँ पर देखेंगे, कम अलोंग मशीन इसको कहते हैं, जो कि वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए ये लाई गई थी कि अगर वर्टिकल ड्रिलिंग के थ्रू रेस्क्यू कराना हो। लेकिन अभी चूंकि जिस प्रक्रिया के जरिए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें एनडीआरएफ की ओर से जब हमने ये एक्सपर्ट से पूछा था एनडीआरएफ की ओर से, तो उन्होंने बताया था कि 2 तरीके होंगे। अगर कोई सही स्थिति में है तो वो क्रॉल करके भी लाया जा सकता है, लेकिन उसमें समय लंबा लगेगा। तो ऐसे में एक स्ट्रेचर खास बनाया गया है जिसमें छोटे व्हील्स लगाए गए हैं, ये एनडीआरएफ का इनोवेशन है। उस व्हील्स के जरिए बहुत आसानी से अगर कोई उस पर लेट जाए तो आप उसको बाहर की तरफ पुल कर सकते हैं, तो जिसमें कम समय लगेगा। तो ये तकनीक जो है एनडीआरएफ की ओर से कहा गया कि ये दोनों ही तकनीक रेडी हैं, और उस समय पे ये डिसीजन लिया जाएगा कि कौन उस अवस्था में है कि वो आराम से आने की अवस्था में है। क्योंकि ये जो टनल है एक छोटा टनल है, कल जब एनडीआरएफ की टीम गैस कटर के जरिए वो सरिया काटने गई थी तो उनको भी देखिए अड़चने आती है, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम है। हालांकि ब्रीदिंग एपरेटर्स के साथ जाते हैं लेकिन हीट भी जनरेट होती है। तो ऐसे में जो लोग 41 दिन से इस टनल में फंसे हैं उनको जल्द से जल्द उस एस्केप टनल से निकाल लिया जाए, ये भी प्राथमिक होगी, जिससे वो उनको किसी तरह का ट्रॉमा या किसी तरह का और अवसाद ना पहुंचे। जी बिल्कुल अंजलि, लगातार यही कोशिश चल रही है कि उन्हें जल्द से जल्द निकाला जा सके। Z News।